कौन कौन से लोग अपने परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालकर जाते हैं। दोस्तों, परिच्छत लीला भाग दूसरा मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं कि किस प्रकार अहंकार का अंत बुरा होता है। पौराणिक कथा के अनुसार पाताल के राजा नागराज वासुकी ने अपने जमाई राजा परिच्छत को मारने की कई योजनाएं बनाई और उसका कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है कि नागराज वासुकी की बिना मर्जी से उसकी पुत्री नवलदे ने राजा परिच्छत से विवाह कर लिया था। इस बात से अपना अपमान समझकर वासुकी नाग परिच्छत को मारकर अपना बदला लेना चाहता था। इस लड़ाई को वासुकी नाग ने अपनी नाक की लड़ाई बना लिया था। उसने पहले भूरिया नाग को भेजकर परिच्छत को डसवा लिया था, लेकिन धन्वंतरी वैद्य की कृपा से वो बच गए थे। उसने सोचा कि अगर वैद्यराज धन्वंतर अगर जीवित रहेंगे तो परिच्छत को मारना असंभव था, इसलिए वासुक ने रास्ते से धन्वंतर वैद्य को हटाने का प्लान बना लिया। तक्षक नाग ने गुरु धन्वंतरी की पीठ में डस लिया था, पीठ पर उनकी दृष्टि नहीं पहुंच पाई, इसलिए वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। गुरु धन्वंतरी ने अपने 1400 चेलों से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर की मांस को रांध कर खा लेना, मेरा सारा ज्ञान तुम 1400 चेलाओं के पास आ जाएगा। गुरु की बात मानकर गुरु धन्वंतरी के चेलाओं ने गुरु के मांस को काटकर हंडियों में रांध कर जब खाने की योजना बनाई तो तक्षक नाग ने उन्हें भ्रमित कर दिया और उन हंडियों को गंगा में छुड़वा दिया। वे सारी हंडियां बहती हुई बंगाल में चली गई। कहते हैं तभी से बंगाल में जादूगर पैदा हो गए। उनके पास इतनी विद्या हो गई थी कि अगर इधर से कोई सर्प का डसा हुआ व्यक्ति, कोई मृतक व्यक्ति पहुंच जाता था तो वे लोग निकाल लेते थे और अपने जादू के जोर से उसे जीवित कर लेते थे। गुरु धन्वंतर का सारा ज्ञान, सारी विद्या बंगाल के कुछ लोगों के पास चली गई। गुरु धन्वंतर ही परिच्छत और वासुकी के बीच का रोड़ा थे, वो भी अब निकल चुका था। इधर परिच्छत को राजा बनाकर पांचों पांडव देह त्याग करने के लिए हिमालय पर चले गए थे। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के राजा परिच्छत बन चुके थे। कलयुग का आगमन हो चुका था। एक दिन राजा परिच्छत वन में आखेट करने आए थे तो उनका सामना कलयुग से होता है। कलयुग एक गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा था। परिच्छत ने कलयुग से उस गाय और बैल की रक्षा की और कलयुग को चेतावनी देकर छोड़ दिया। पर कहते हैं नीच और दुष्ट व्यक्ति से अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती, ना उस पर विश्वास किया जा सकता है। जैसे कि नागराज वासुकी ने विश्वासघात किया था, उसी तरह कलयुग ने भी राजा परिच्छत के साथ विश्वासघात किया। कलयुग ने परिच्छत के अंदर प्रवेश करके उनसे एक बड़ा भारी महापाप करवा दिया था। एक मरा हुआ सांप राजा परिच्छत ने लोमस ऋषि के गले में पहना दिया था। इस कारण से उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परिच्छत को सातवें दिन तक्षक नाग के द्वारा डसे जाने का श्राप दे दिया था। जब यह निश्चित हो गया था कि सातवें दिन श्रृंगी ऋषि के श्राप को सच करने के लिए तक्षक नाग राजा परिच्छत को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, इस बात से पूरे राज्य में हलचल मच गई। रानी नवलदे बहुत घबरा जाती है। एक तो पहले से उनके पिता परिच्छत को मरवाने के नए पर नए षड्यंत्र रच रहा था, ऊपर से ऋषि ने श्राप भी सांप के काटने का ही दे दिया था। परिच्छत की पत्नी नवलदे एक अत्यंत चतुर और समर्थवान स्त्री थी। उन्हें यह भविष्यवाणी पहले से ही पता थी और वो अपने पति की सुरक्षा के लिए सदैव सजग रहती थी। जैसे ही किसी सांप के पृथ्वी पर आने की जानकारी उसे मिलती थी तो नवलदे तुरंत अपने पति को उस खतरे से बचाने के लिए कोई ना कोई युक्ति निकाल लेती थी। कई बार तो नवलदे ने सांपों के प्रवेश मार्ग को बंद करवा दिया था ताकि वे किसी भी तरह से राजा तक ना पहुंच सके। कभी कभी उन्होंने सांपों को धोखे में डालने के लिए उनके रहने के स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी थी। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि राजा परिच्छत के पास कोई भी सांप आसानी से पहुंच ही ना सके। वासुकी के भेजे गए सभी सांप असफल होकर लौट जाते थे। अब तक रानी नवलदे अपने पति की रक्षा करती चली आई थी। मित्रों, इधर जब निश्चित हो गया कि राजा परिच्छत के जीवन में मात्र 7 दिन ही शेष बचे हैं तो उनकी मुक्ति के लिए उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई गई ताकि उनकी मुक्ति हो सके और उनके अंदर से सर्प के डसने का और मृत्यु का भय खत्म हो सके। क्योंकि कहते हैं मरने वाला व्यक्ति जैसी स्मृति लेकर मरता है
उसकी गति भी उसी के आधार पर होती है। अगर राजा परीक्षित को सांप को याद करके मर जाते, क्योंकि उनके अंदर सर्प के डसने का भय बैठा रहता, तो निश्चित रूप से उनका पतन हो जाता, वे सर्प योनि को प्राप्त हो जाते। गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराते थे, ताकि संसार की विषय वासनाओं से, इच्छाओं से, मोह ममता से उनका चित्त बाहर निकल सके। क्योंकि कहते हैं, अंतमति सो गति, मरने वाला जैसी इच्छाओं के साथ मरता है, वो इच्छाएं उसके साथ चली जाती हैं, और उसकी आत्मा अगले जन्म में जिस शरीर को धारण करती है, उसकी इच्छाएं भी उस शरीर में आत्मा के साथ प्रवेश कर जाती है। नबलदेव की युक्तियों से परिचित अब तक तो सुरक्षित थे। इस प्रकार नबलदेव की सूझबूझ और सतर्कता के कारण परिचित बार बार नागराज वासुकी की योजनाओं से बच जाते थे। रानी नबलदेव अपने पति परिचित को लेकर पानी के बीच बने महल में रहती थी। राजा परिचित दिन में कथा सुनते थे और रात में रानी नबलदेव के पास महलों में चले आते थे। महल की चारों ओर से कड़ी चौकसी, कड़ी पाबंदी थी। महल के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। राजा वासुकी के द्वारा भेजे गए सर्प कुछ तो जल के भीतर बने उस महल तक पहुंच ही नहीं पाए, और कुछ को रानी नबलदेव ने अपनी चालाकी से वापस भेज दिया था। एक समय की बात है, राजा वासुकी ने अपनी बेटी रानी नबलदेव के महल में एक काले सर्प को भेजने का निर्णय लिया था। राजा ने यह कदम किसी विशेष कारण से उठाया था। सर्प कालासर ने महल तक पहुंचने का सफर तय किया, लेकिन रानी नबलदेव पहले से ही सतर्क थी। उसे अपने गुप्तचरों से पता चल जाती थी कि उसका पिता अब क्या षड्यंत्र रच रहा है। उसे पता चल गया था कि उसके पिता ने एक सर्प को उसकी ओर भेजा है। रानी नबलदेव ने अपने महल की सुरक्षा और स्वागत का ऐसा प्रबंध किया कि सर्प को कोई हानि पहुंचाने का विचार भी नहीं आ सकता था। उसने महल को भव्य तरीके से सजवाया, चारों ओर दूध के कटोरे भरकर रखवा दिए और सुंदर फूलों की सजावट करवाई। महल के हर कोने में सुगंधित इत्र का छिड़काव करवा दिया था, ताकि वातावरण सौहार्दपूर्ण और सम्मानीय लगे। जब सर्प महल में पहुंचा तो उसने इस शानदार स्वागत को देखकर चकित रह गया। उसे महसूस हुआ कि रानी नबलदेव ने उसकी खूब इज्जत की है। यह विचार उसके मन में घर कर गया कि उसने रानी का नमक खाया है और सम्मान प्राप्त किया है, अब वो उन्हें कैसे हानि पहुंचा सकता है। ऐसे विचारों से घिरा हुआ वो सर्प बिना कोई हानि पहुंचाए ही पाताल को वापस लौट जाता है। जब काला सर्प वापस राजा वासुकी के पास पहुंचा और उसने महल में घटी पूरी घटना का ब्यौरा सुनाया, तो राजा वासुकी को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। उसने इस बात को अपने सम्मान के खिलाफ समझा और क्रोधित होकर काले सर्प को श्राप दे दिया कि वो दोमोही वाला सर्प बन जाएगा। इस प्रकार से काला सर्प को राजा के क्रोध का दंड मिला और उसे दो मुख वाला सर्प बनने का श्राप मिल गया। तभी से आपने देखा होगा कि आज भी कुछ जगह दो मुख वाले सर्प होते हैं, जो अपने पिता वासुकी के द्वारा शापित हैं। राजा वासुकी का क्रोध शांत नहीं हुआ था। काले सर्प के असफल लौटने के बाद उन्होंने अपने दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन किया था। इस सभा में सभी नाग योद्धा और दरबार के प्रमुख सदस्य मौजूद थे। राजा वासुकी ने सभा के बीचों बीच एक पान का बीड़ा रखा था और घोषणा की थी कि जो भी इस बीड़े को खाएगा, उसी को राजा परीक्षित को डसने का यह कठिन कार्य करना होगा। यह कोई साधारण काम नहीं है, यह काम हमारी जाति के सम्मान का है। क्या कोई इस सभा में मौजूद इस चुनौती को स्वीकार कर सकता है? मित्रों, राजा के इस आह्वान पर सभा में गहरी खामोशी छा जाती है। सभी नाग योद्धा राजा के आदेश के महत्व को समझ रहे थे, लेकिन राजा परीक्षित को डसने का कार्य अत्यंत जोखिम भरा और भयानक था। हर किसी के मन में भय और संकोच था, पर कोई भी राजा वासुकी के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। इसी बीच एक वीर नाग योद्धा जिसका नाम तक्षक था, वो सामने आता है। उसे श्रृंगी ऋषि के श्राप का भी पता चल चुका था। उस श्राप को सच करने के लिए और वासुकी की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उसने राजा वासुकी के सामने सिर झुकाकर बीड़े को उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे खा लिया। तक्षक ने कहा, महाराज,
मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और राजा परीक्षित को डसने का यह कठिन कार्य मैं अपने ऊपर लेता हूं। तक्षक के साहसिक निर्णय से राजा वासुकी संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। तक्षक ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और इस तरह से उसे राजा परीक्षित को डसने का कार्य सौंपा गया। तक्षक के बीड़ा उठाने और राजा वासुकी के आशीर्वाद लेने के बाद नाग योद्धा तक्षक ने यह ठान लिया कि वो राजा परीक्षित को डसने का कार्य पूरा करेगा। यह कार्य केवल उसकी वफादारी का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि यह नागों के पूरे कबीले का सम्मान और प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका था। इधर राजा परीक्षित ने स्वयं को सुरक्षित रखने के अनेक उपाय किए। उन्होंने अपने किले में सर्प समन यंत्र और मंत्रों का सहारा लिया और अपने चारों ओर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करवाई। राजा ने अपना समय धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में बिताना शुरू कर दिया था। वे प्रतिदिन भागवत का पाठ श्रवण करते थे ताकि उनकी आत्मा मृत्यु के भय से मुक्त रह सके। तक्षक को इस बात का पता था कि राजा परीक्षित ने अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना लिया है, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को पूरा करने की ठानी थी। एक सप्ताह बीत चुका था और वो दिन आ चुका था जब तक्षक को राजा परीक्षित को डसना था। अपनी चालाकी और शक्ति का प्रयोग करते हुए तक्षक ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और किले में प्रवेश का रास्ता खोज निकाला। जब वो किले के भीतर पहुंचा तब वो एक छोटे से फूल का रूप बदलकर पानी के द्वारा बहता हुआ उस महल तक पहुंच जाता है। राजा परीक्षित के पास जब वो पहुंचा, राजा परीक्षित अपनी साधना में लीन थे और तक्षक ने मौका देखकर उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित का शरीर तुरंत ही विष से भर गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। राजा परीक्षित की मृत्यु का समाचार जब रानी नवलदे तक पहुंचा तो उनके दिल पर गहरा आघात हुआ। जैसे ही उन्होंने सुना कि तक्षक नांग ने उनके प्रिय पति को डस लिया है, वे दुख और शोक में डूब जाती हैं। रानी का विलाप इतना करुण और हृदय विदारक था कि महल का हर कोना उनके दर्द में डूब गया। आंसुओं से भरी आंखों और कांपते हाथों से रानी ने अपने पति के निष्प्राण देह को थाम लिया और विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, हे पति देव, आप ही मेरे जीवन के आधार थे। आपके बिना यह जीवन अब तो सूना हो गया है। आपने धर्म और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा था, फिर भी यह क्रूर नियति आपको हमसे छीन कर ले गई। क्यों विधि ने ऐसा किया? क्यों आपके जैसे धर्मनिष्ठ राजा को यह निर्मम अंत सहना पड़ा? रानी नवलदे ने आंसुओं में डूबे हुए शब्दों में अपने दुख को प्रकट किया। आपने हमेशा प्रजा का भला चाहा, न्याय की स्थापना की, फिर भी आपके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? क्या हमने कभी किसी का बुरा चाहा था जो आज हमें यह दिन देखना पड़ा? मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? आपके बिना ये महल, ये राज्य सबको सूना और निरर्थक लग रहा है। रानी के विलाप ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया था। उनके दुख में सभी ने अपनी आंखें नम कर ली थी। रानी ने राजा के प्रति अपने असीम प्रेम और श्रद्धा को शब्दों में व्यक्त किया। हे प्रिय, यदि मैं जानती कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे लिए स्वयं अपने प्राण दे देती, पर आज तुम्हारे बिना मेरा जीवन अंधकार में और निरर्थक है। यह सारा वैभव और संपत्ति आपके बिना मुझे केवल एक बोझ सा लग रहा है। तुम्हारे जाने से मेरी दुनिया ही बिखर गई है। रानी का यह करुण विलाप पूरे राज्य में गूंज उठा। रानी नवलदे अपने पति राजा परीक्षित की मृत्यु से विचलित थी। उनके दिल में अभी भी उम्मीद थी कि उनके पिता नागराज वासुकी उनकी सहायता कर सकते हैं अगर वो उनके पास जाए तो। अपने प्रिय पति की निष्प्राण देह को लेकर रानी नवलदे पाताल लोक में अपने पिता के पास जाती है। जैसे ही वो नागराज के समक्ष पहुंची, उन्होंने अपने पिता से विनती की, हे पिताजी, मेरे पति को जीवन दान दे दो। आप सर्पों के राजा हैं, आपके पास ऐसी शक्ति है कि आप मेरे पति के शरीर से विष को निकाल सकते हैं और उन्हें पुनः जीवित कर सकते हैं। रानी का विलाप सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी नवलदे अपने पिता के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी रही और कहने लगी, पिताजी, कृपया मेरे अनुरोध को अस्वीकार मत कीजिए। मेरे पति धर्मात्मा थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उन्होंने जबरदस्ती मुझसे विवाह नहीं किया, बल्कि मैं ही अपनी इच्छा से उनके पास गई थी। अगर उनकी जान बख्श दी जाए तो हम फिर से एक परिवार की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपके आशीर्वाद से यह संभव हो सकता है।
बेटी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नागराज वासुकी का हृदय कठोर बना रहा। उनकी आंखों में क्रोध की चमक थी। उन्होंने रानी की विनती को ठुकराते हुए कहा, नबलदी, ये कार्य नहीं हो सकता। राजा परिचित को यह मृत्यु उनके कर्मों के कारण प्राप्त हुई है। सर्पों के सम्मान और न्याय के लिए यह निर्णय लिया गया था। ऊपर से श्रृंगी ऋषि का श्राप भी था। मैं अपने निर्णय को नहीं बदल सकता। यह हमारे कुल का निर्णय था और इसे नहीं बदला जा सकता। रानी ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और आंसुओं से भरी आंखों से गिड़गिड़ाते हुए कहा, पिताजी, कृपया मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। मैं आपकी पुत्री हूं, क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? लेकिन वासुकी नाग अपनी बेटी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने क्रोधित होकर आदेश दिया कि राजा परिचित की लाश को दरबार से बाहर फेंक दिया जाए। नागराज के सेवक उनकी आज्ञा मानकर परिचित की लाश को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। रानी नबलदेई यह दृश्य देखकर टूट जाती है। उनका हृदय चूर चूर हो जाता है और उन्होंने निराशा और दुख से भरी हुई आंखों से अपने पिता को देखा। अपने पति की उस निष्प्राण देह को लेकर वो महल से बाहर चली गई, लेकिन उनका मन आक्रोश और दुख से भरा हुआ था। रानी के मन में अपने पिता नागवंश के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया था। उनके आंसुओं ने नागराज के क्रूर हृदय को पिघलाने में असफल हो जाने पर रानी ने मन में ठान लिया कि वो अपने पति को जीवन दान दिलाकर ही रहेगी। रानी नबलदे ने अपने पति राजा परिचित की मृत देह को अंतिम बार निहारते हुए आंसुओं से विदाई दी। अपने पिता नागराज वासुकी की अस्वीकृति और क्रूरता से व्यथित होकर रानी ने स्वयं अपने पति के लिए एक घंट, जिसे घनैया कहते हैं, उसका निर्माण किया। ये एक विशेष प्रकार की बांस से बनी हुई अस्थाई नौका होती है, जिसमें वो अपने पति की देह को सम्मान पूर्वक रख सकती है। अपने पति के शरीर को इस घनैया पर रखने के बाद रानी ने खुद भी उसी स्थान पर बैठ लिया। अपनी प्रेम और संकल्प शक्ति के बल पर रानी नबलदे ने जल में यात्रा शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने जल पर कदम रखा, घनैया धीरे धीरे पानी के ऊपर तैरने लगी, जैसे कि जल की लहरें उनकी राह में मारक बना रही हों। रानी नबलदे अपने पति की देह को साथ लेकर जल के ऊपर लगातार बढ़ती गई, बिना रुके बिना थके, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही हो। वो बढ़ती जा रही थी। यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, तेज हवाएं, तूफानी लहरें, भयंकर बारिश और अनजान स्थान, लेकिन रानी का संकल्प अड़िग था। उनकी प्रेम और समर्पण की शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ते रहने का साहस दिया। वे देर रात बिना किसी विश्राम के अपने पति की देह को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ती रही। लगातार कई दिन की यात्रा के बाद रानी नबलदे की यह घनैया बंगाल की पावन भूमि पर पहुंचती है। बंगाल के तट पर जैसे ही उनकी घनैया ठहरी, वहां के स्थानीय लोग इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। एक रानी अपने मृत पति की देह के साथ जल के ऊपर इस प्रकार यात्रा करते हुए पहुंचेगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब रानी नबलदे बंगाल के तट पर पहुंची और घनैया को किनारे पर लगा दिया, तब सुबह सुबह घाट पर एक धोबिन, जिसका नाम गंगिया था, वहां काम करने के लिए आई। उसकी नजर अचानक राजा परिचित की सुंदर और दिव्य देह पर पड़ी। जादू की शक्ति रखने वाली गंगिया ने अपने जादू का प्रयोग करते हुए राजा परिचित की लाश को चुरा लिया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे अपने घर ले गई। इधर जब रानी नबलदे की आंख खुली तो उन्होंने पाया कि उनके पति की लाश वहां नहीं है। यह देखकर रानी का हृदय टूट गया। वो बिलाप करते हुए बोली, हे भगवान, मेरे पति की लाश कहां गई? मैं तुमसे क्या अपेक्षा करूंगी? रानी के बिलाप ने आसपास के लोगों को भी चिंतित कर दिया। जब यह बात बंगाल के राजा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने रानी से पूछा, बेटी, क्या बात है? तुम इतनी दुखी क्यों हो? रानी नबलदे ने पूरी बात बताई। हे महाराज, मेरे पति की लाश को किसी ने चुरा लिया है। मुझे नहीं पता कि वो कहां गई है। राजा ने रानी की दुखद कहानी सुनकर गहरी चिंता व्यक्त की और तुरंत निर्णय लिया कि वो इस मामले का समाधान करेंगे। उन्होंने अपने दरबार के सभी जादूगरों को बुलाया। सभी जादूगर वहां उपस्थित हुए, लेकिन गंगिया नाम की जादूगरनी वहां नहीं आई। कुछ लोगों ने राजा से कहा, महाराज, सभी जादूगर तो आ गए हैं, लेकिन गंगिया अभी तक नहीं आई है।
राजा ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे गंगिया को पकड़ कर लाएं। सिपाहियों ने गंगिया को खोज निकाला और उसे राजा के सामने लाए। जब गंगिया राजा के समक्ष पेश हुई तो राजा ने गुस्से में कहा, तुमने राजा परीक्षित की लाश को चुराया है, यह तुम्हारा अपराध है। गंगिया ने अपनी स्थिति को समझते हुए कहा, महाराज मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैंने केवल उनके रूप और सौंदर्य को देखकर उन्हें अपने जादू से अपने पास रखा। लेकिन राजा ने उसकी बात सुनने से पहले ही आदेश दिया कि उस पर कोड़ों की मार लगाई जाए। सिपाही गंगिया को दंडित करने लगे। गंगिया ने अंततः राजा परीक्षित की लाश को वापस लौटाने का निर्णय लिया। उसने रोते हुए कहा, महाराज मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूं, मैं आपकी अनुमति से राजा परीक्षित की लाश आपको वापस करती हूं। इस प्रकार गंगिया ने राजा परीक्षित की लाश को वापस दे दिया। रानी रवलदे को जब यह खबर मिली तो उन्होंने हर्ष और कृतज्ञता के साथ राजा का धन्यवाद किया। वंगाल के राजा ने रानी नवलदे से कहा, पुत्री तुम जो भी चाहती हो वो बताओ, तुम्हारे दुख को देखकर मैं इसे दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। रानी नवलदे ने गहरी पीड़ा और आंसुओं के साथ पूरी कहानी सुनाई। महाराज मेरा केवल एक ही निवेदन है कि मेरे पति राजा परीक्षित को किसी प्रकार जीवन दान मिल जाए। तक्षक नांग के दंश ने मेरे प्रिय को मुझसे छीन लिया है, लेकिन आपके पास इतने जादूगर और सिद्ध लोग हैं, क्या इनमें से कोई मेरे पति को पुनर्जीवित नहीं कर सकता? यदि ऐसा हो सका तो मैं जीवन भर इस उपकार के लिए आभारी रहूंगी। बंगाल के राजा ने नवलदे के इस निवेदन को गंभीरता से लिया और तुरंत अपने राज्य के सभी जादूगरों को बुलवाया। जादूगरों ने राजा परीक्षित के शरीर को तंत्र मंत्र और जादू के विभिन्न उपायों से पुनर्जीवित करने की कोशिश की। एक के बाद एक जादूगरों ने अपने अपने जादू और शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। परीक्षित की आत्मा पहले ही भगवान में लीन हो चुकी थी और किसी भी प्रकार के जादू से उसे वापस लाना असंभव था। आखिरकार जादू का प्रयोग करते करते राजा परीक्षित का शरीर छीण हो गया और अंत में वो फट जाता है, जैसे कोई पत्थर टुकड़ों में बिखर जाता है। उनका शरीर मिट्टी के कणों की तरह बिखर कर समाप्त हो गया। इस मर्मांतक दृश्य को देखकर रानी नवलदे का हृदय और भी टूट जाता है। अपने पति की इस तरह की अंतिम अवस्था को देखकर उनके जीवन का एकमात्र सहारा समाप्त हो गया। उनके मन में जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन उस समय रानी नवलदे के पेट में जन्मे जय पल रहे थे, इसीलिए रानी सती नहीं हुई और वो लौटकर इंद्रप्रस्थ चली आई। परीक्षित की मृत्यु के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जन्मे जय। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद इंद्रप्रस्थ दिल्ली के सिंहासन पर आगे चलकर उनके पुत्र जन्मेजय को बैठाया गया। जन्मेजय का जन्म परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय बाद हुआ था और वे अपने पिता की भांति ही धर्म और न्याय प्रिय थे। अपने पितामह अर्जुन और परदादा पांडवों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जन्मेजय ने कुशलता से राज्य का संचालन किया और प्रजा के हित के लिए कार्य किया। जन्मेजय के युवा होने पर उन्हें अपने पिता राजा परीक्षित की दुखद मृत्यु का सत्य का पता चला। जब उन्होंने सुना कि उनके पिता को तक्षक नांग ने डसकर मार डाला था तो उनके हृदय में क्रोध और दुख की ज्वाला भड़क उठी। जन्मेजय के मन में यह बात गहराई से बैठ गई कि उनके पिता की असमय मृत्यु का कारण तक्षक नांग है और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे इसका बदला अवश्य लेंगे। जन्मेजय ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों, ऋषि मुनियों और पंडितों को बुलाया और उनके सामने अपने मन की प्रतिज्ञा प्रकट की। उन्होंने कहा, मेरे पिता राजा परीक्षित एक धर्मात्मा और न्याय प्रिय राजा थे। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया और कभी किसी का अहित नहीं किया, परंतु तक्षक नांग ने मेरे पिता का प्राण ले लिया। मैं इस अन्याय को सह नहीं कर सकता और इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जन्मेजय ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जिसे सर्प सत्र या सर्प यज्ञ के नाम से जाना गया। जन्मेजय ने इस यज्ञ को करने का संकल्प लिया जिसमें मंत्रों और अग्नि की शक्ति से सारे नागों का संहार होना था। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य तक्षक नांग को बुलाकर उसे दंडित करना था ताकि उसके पापों का प्रतिशोध लिया जा सके। यज्ञ के आयोजन के लिए जन्मेजय ने महान ऋषियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। उन्होंने महायज्ञ के प्रारंभ की विधियां संपन्न करवाई और जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ एक एक करके सारे नांग यज्ञ की अग्नि में आकर भस्म होने लगे। यज्ञ में नांगों का वध होने लगा और नांग जाति
भयभीत होकर अपना अस्तित्व बचाने के लिए छिपने लगी। लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जो भी नाग कहीं भी छिपा होता वो अग्नि के प्रभाव से उड़कर यज्ञ की वेदी पर आकर जल जाता। तक्षक नाग जो इस यज्ञ का मुख्य लक्ष्य था वो भी इस विनाशकारी यज्ञ से डर गया और उसने इंद्रदेव से शरण मांगी। इंद्र ने तक्षक को अपनी सुरक्षा में ले लिया और उसे अपने सिंहासन पर स्थान दिया। लेकिन जन्मेजय ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की ठान ली थी। उन्होंने तक्षक को बलपूर्वक यज्ञ की अग्नि में लाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करवाया। तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन पर बैठा हुआ था लेकिन यज्ञ की शक्ति ने उसे और इंद्र को भी भयभीत कर दिया। जब सभी नाग लगभग समाप्त हो चुके थे और तक्षक भी यज्ञ की अग्नि की ओर खिंचने लगा तब महर्षि आस्तिक वहां प्रकट होते हैं। आस्तिक एक ब्राह्मण और महान ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने जन्मेजय को समझाने का प्रयास किया कि ये यज्ञ नागों के संपूर्ण संहार का कारण बन रहा है और इस क्रोध और प्रतिशोध से कोई लाभ नहीं होगा, इसमें वो सर्प भी मारे जा रहे हैं जो निर्दोष हैं। आस्तिक ने जन्मेजय को शांति का महत्व समझाया और कहा कि उनके पिता की आत्मा को केवल शांति से मुक्ति मिल सकती है, प्रतिशोध से नहीं। महर्षि आस्तिक की बातों ने जन्मेजय के क्रोध को शांत कर दिया। उन्होंने यज्ञ को रोकने का निर्णय लिया और तक्षक नाग को भी क्षमा कर दिया। इस प्रकार सर्प सत्र समाप्त हो जाता है और जन्मेजय ने नागों के संहार से अपने हाथ खींच लिए। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद वासुकी नाग ने अपनी बेटी रानी नवलदे की विनती ठुकरा कर और राजा परीक्षित की लाश को दरबार से बाहर फेंकवा कर अपना क्रूर और अहंकारी स्वभाव दिखाया था। उसने ना केवल अपनी बेटी के प्रेम और उसकी पीड़ा की अवहेलना की बल्कि एक निर्दोष और धर्मात्मा राजा के साथ भी अन्याय किया था। वासुकी के इस कठोरता भरे व्यवहार ने उसके अंदर गहरे अहंकार को प्रदर्शित किया था जो सर्पों की शक्ति और उसके अपने पद के कारण था। लेकिन समय के साथ यह अहंकार उसी पर भारी पड़ा। राजा परीक्षित की मृत्यु के प्रतिशोध में उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पों का संहार करने के लिए सर्पक्षेत्र यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में एक एक करके सभी नाग जलकर भस्म होने लगे थे। यज्ञ की अग्नि में नागों का नाश देखकर वासुकी नाग का हृदय भय और पश्चाताप से भर गया था। उसने अनुभव किया कि उसका अहंकार और क्रूरता जिसने उसे अपनी बेटी और राजा परीक्षित के प्रति सहानुभूति से वंचित कर दिया था आज उसके और उसके पूरे नागवंश के विनाश का कारण बन रहा है। वासुकी ने देखा कि केवल उसके अहंकार और कठोरता ने उसके पूरे कबीले को खतरे में डाल दिया है। वो अपने निर्णय पर पछताने लगा और सोचने लगा कि अगर उसने अपने अंदर दया और क्षमाशीलता का स्थान बनाया होता तो आज उसकी जाति का यह भयानक अंत ना होता। वासुकी को यह समझ में आया कि शक्ति और पद का उपयोग केवल अपने हित में करना विनाश का ही मार्ग है। महर्षि आस्तिक के हस्तक्षेप से सर्प सत्र को रुकवाकर नागों का विनाश तो टल गया लेकिन वासुकी के लिए यही एक गहरा सबक था। उसने जाना कि अहंकार और क्रूरता अंततः विनाश का कारण बनती है। उसने समझा कि सच्ची शक्ति दया करुणा और सहनशीलता में होती है, ना कि प्रतिशोध या शक्ति प्रदर्शन में। वासुकी नाग का अहंकार टूट चुका था और उसने अपने भीतर पश्चाताप और विनम्रता का भाव उत्पन्न किया था। उसे यह सबक मिला कि सच्चा राजा वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दया, सहानुभूति और क्षमा का आदर करे। इसी के साथ वासुकी ने प्रण किया कि भविष्य में वो अपने अहंकार को नियंत्रित रखेगा और अपने कर्तव्यों का पालन विनम्रता और करुणा के साथ करेगा। जब एक व्यक्ति अपने कार्यों में अहंकार, लालच, क्रोध या प्रतिशोध से प्रेरित होकर अनुचित निर्णय लेता है तो उसका प्रभाव केवल उस पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और पीढ़ियों पर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म उसके वंशजों को मुसीबतों में और कष्टों में डाल सकते हैं। इस प्रवृत्ति को विभिन्न कहानियों और नीतियों में दर्शाया गया है जो ये बताते हैं कि कैसे किसी के गलत निर्णय पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशाप बन सकते हैं। पहला कारण, अहंकार का प्रभाव, विशेषकर सत्ता और शक्ति का अहंकार व्यक्ति को न्याय और करुणा से दूर ले जाता है। उदाहरण के लिए वासुकी नाग ने अपने अहंकार के कारण अपनी बेटी और परीक्षित के साथ क्रूरता दिखाई। इसका परिणाम जन्मेजय के सर्प सत्र के रूप में हुआ जिससे उसके पूरे नागवंश पर संकट आ गया। अहंकार से प्रेरित निर्णय न केवल वर्तमान में समस्याएं पैदा करता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी कठिनाई में डाल सकता है। नंबर दो, लालच और स्वार्थी निर्णय से व्यक्ति अपने और परिवार की नैतिक और आध्यात्मिक समृद्धि को नष्ट कर देता है। अगर किसी व्यक्ति ने लालच में आकर अनैतिक कार्य किए हैं
जैसे कि दूसरों का अधिकार छीना है या धोखाधड़ी की है, तो इसका दुष्प्रभाव उसके बच्चों और वंशजों पर भी पड़ सकता है। कई बार ऐसे लोग अपने लालच के चलते समाज में बदनामी कमाते हैं और उनके परिवार को समाज से अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता है। तीसरा है, जब कोई व्यक्ति प्रतिशोध की भावना में डूब जाता है तो वो विवेकहीन निर्णय लेता है जो खुद के साथ साथ पूरे परिवार के लिए दुखद परिणाम लाता है। जन्मेजय द्वारा प्रतिशोध में किया गया सर्प यज्ञ उसका उदाहरण है, जिसमें कई निर्दोष नाग मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप नागवंश के लोग कई पीढ़ियों तक इस कृत्य के बोझ और पीड़ा के साथ जीते रहे। चौथा है, व्यक्ति का अनुचित व्यवहार और उसकी गलत सोच उसके बच्चों पर गहरा असर डालती है। जैसे अगर एक व्यक्ति अनैतिकता को सामान्य मानता है और अपने परिवार में इसे प्रोत्साहित करता है तो उसकी अगली पीढ़ियां भी इसी दृष्टिकोण को अपनाती हैं। ये उन्हें न केवल सामाजिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी नरक के समान दुख और कठिनाइयों में डाल देता है। नंबर 5, कर्मों का बोझ। भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव 7 पीढ़ियों तक रहता है। यदि एक व्यक्ति पाप या अधर्म करता है तो उसके कर्मों का फल उसकी संतानों और आगे की पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। गलत कर्मों के बोझ से कई बार संतानें या वंशज बिना किसी गलती के कष्ट उठाते हैं, उन्हें समस्याएं, रोग और आर्थिक कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं जो उनके पूर्वजों के कारण होती हैं। नंबर 6, धर्म और नैतिकता की उपेक्षा करना। एक व्यक्ति का धर्म और नैतिकता से भटकना उसके परिवार के लिए भी पतन का कारण बनता है। कई बार देखा गया है कि जब व्यक्ति धर्म की अनदेखी कर केवल सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है तो उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियां उस पथ भ्रष्टता का शिकार बन जाती हैं। परिवार में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का अभाव उनके जीवन को नरक के समान कष्ट देता है। नंबर 7, सही शिक्षा और संस्कार का अभाव। जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों को सही संस्कार और शिक्षा नहीं देता है तो वे गलत रास्ते पर चलने की संभावना रखते हैं। ऐसे बच्चे जीवन में कष्टों का सामना करते हैं और पीढ़ियों तक यह अभाव चलता रहता है। इस तरह से व्यक्ति अपने परिवार को खुद नरक में ढकेलता है। एक व्यक्ति के निर्णयों का प्रभाव उसके परिवार, समाज और पीढ़ियों पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति विवेक, धर्म और नैतिकता के साथ अपने कार्य करे। यदि हर पीढ़ी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी बने और अपने कार्यों में संयम, करुणा और धैर्य का पालन करे तो वे अपने परिवार और वंशजों के लिए एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन लोग होते हैं जो अपनी पीढ़ियों को और अपने परिवार को नरक में और दुखों की भट्टी में धकेल जाते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपने ये तो सीख जरूर ली होगी कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारा परिवार मुसीबत में ना पड़े। तो चलिए, अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।